शोबिस छोड़ चुकी थी तो मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया था, फिर घर भी नया था तो घर भी चेंज हो गया था, तो ना किसी को घर पता था, ना किसी को नंबर पता था, और ना किसी को ये पता था कि मेरी जो है ना सिर्फ शान रैम्बो और अरबाज वगैरह को पता था, क्योंकि वो लोग रिश्ता लेकर आए थे साथ, इनकी साइड ना ससुराल, पूरे ससुराल को और हमारे यहाँ किसी को भी नहीं पता था। फिर जब मेरी मंगनी इनके साथ हुई है, जिस दिन शादी की तारीख तय की गई उस दिन, फिर आकिफ को और आकिफ को मैंने बुलाया तो आकिफ को जाहिर है फिर पता था। उसके बाद जब शादी हुई तो आज शादी वाली रात आप मुझे तैयार करी थी, और मैं तुम्हें आज बड़े मजे का किस्सा सुनाती हूँ जो कि तुम्हें किस्सा पता नहीं है अभी। अच्छा, तुमने मुझे तैयार, तुमने मेरे बाल बनाए थे यार, बाल बनाए, कस के जूड़ा बनाया, पिंस लगाई, दुपट्टा सेट किया। जब शादी हो गई तो शादी की रात पिने ही नहीं खत्म हो रही, पिने ही नहीं खत्म हो रही, पिने ही निकाली भैया, कोई कोई 100 से भी ज्यादा पिंस मेरे सर पे ना खत्म ही ना हो। सोने का ये किसने दुश्मनी की आज आपके साथ, मुझे लगता है सुबह तक पिने ही निकालते रहेंगे हम लोग। मैंने कहा ये सादिया ने किया है। बट मैंने वो सब कुछ मोहब्बत में किया था क्योंकि वो बाल किसी तरह ठहर ही नहीं रहे थे, लेकिन अगेन वो एक बहरहाल दुल्हनों को इतना ही मुश्किल से गुजरना पड़ता है। सही, हंसते खेलते माशाल्लाह ये जिंदगी गुजरी। कोई रिग्रेट लगता है लाइफ में? हाँ, एक है, मेरी दादी, तुम्हें तो पता ही है, तुम तो मिली हुई हो, और दादी ने हमेशा मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं, माँ बाप की भी दुआएं हैं, लेकिन दादी जो थी वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही थी। वो एक पछतावा ज़िंदगी से नहीं जाता, और मैं सबको कहती हूँ कि भाई ज़रा सी भी अपने वालदैन की या करीबी लोगों की अगर आप सुने कि तबीयत ख़राब है तो फ़ौरन उनके पास जाएँ, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो आप फ़ौरन वहाँ जाएँ, क्योंकि वक्त और लम्हा हमें वही कहते हैं ना कि ये वक्त आपको बता के नहीं आता कि कब कहाँ कैसे वो आपसे किस तरह अपने चाहने वाले को दूर ले जा सकता है। तो ये रिस्पेक्ट, ये प्यार हमें उसी तरह देना है। बट अगेन आज भी वो हमारी दुआओं में मौजूद हैं, क्योंकि जो जवेरिया की दादी हैं वो हम सब की दादी हैं, क्योंकि हम सब उन्हें दादी ही बोलते थे, अम्मा बोलते थे और अम्मा ही बोलते थे, और मेरे ख्याल हमसे मिले। थोड़ा सा इस मूड को चेंज करते हैं, कोई एक टिप देते जाएँ दोनों अलग अलग, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मर्द के पास क्या टिप है, मर्दों के लिए, औरत के पास क्या टिप है औरतों के लिए, पहले आप सब। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मर्द को मर्द बन के रहना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा सुननी भी चाहिए, अपने आप को डाउन कर ले ताकि औरत का रुतबा ऊपर हो जाए। बस वाह, ज़बरदस्त, यानी कि बहरहाल आपकी जो पर्सनालिटी वो तो वही रहेगी ना, मर्द तो मर्द ही है, लेकिन अगर आप किसी की सुन लेंगे तो उसका आप। मैं बस ये कहूँगी कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते तब भी ज़िंदगी गुजर जाती है, अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तब भी ज़िंदगी गुजर जाती है, मोहब्बत ना हो तब भी गुजर जाती है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट ना हो तो ज़िंदगी गुजरना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये भी कहूँगी कि दो लोगों के बीच में बस किसी तीसरे को ना आने दें कभी भी ज़िंदगी में, अपने फैसले खुद। अब वही जो मैंने भी कहा था ना, इसके लड़ाई बगैर मैंने एक बात कही थी ना, मेरी माँ बाप से भी ना कहें। मैंने आप दोनों का एक इंटरव्यू सुना था जिसमें मेरे ख्याल जवेरिया ने कोट किया था कि हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे दरमियान कुछ भी होगा तो ना आपके घर वाले बीच में बोलेंगे ना मेरे घर वाले, जो भी डिसाइड करना है वो हमें आपस में, क्योंकि वो बीच में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम नहीं उनको बताएंगे ना। हाँ, हमें जरूरत ही नहीं बताने की, क्योंकि देखो वो अपने घर में है, हमारे घर में, हमारे बीच क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, कल को हम मियां बीवी तो एक ही हो जाते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं उनके दिलों में बातें आती है वो फिर वो जा नहीं सकती, वो जाती ही नहीं है। जबरदस्त जनाब, ये गुफ्तगू चलती रहेगी, रहिएगा आप हमारे साथ समा के मेहमान में। मैं और आप जाएंगे सऊद के जिम, वहाँ देखेंगे आखिर वो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिसे वो एक्सरसाइज भी करें और फिर भी मोटे हैं। कोई एक चीज अगर कही जाए कि सऊद में चेंज करनी हो तो वो क्या, मिजाज के हवाले से या वैसे? बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, कोई एक नहीं है मसलन वह छोटी छोटी चीजें हैं, कोई इतनी खास नहीं है, आम नॉर्मल लाइफ। गुस्सा कैसा है सऊद का? गुस्सा है मेरे लिए नहीं है, मेरे मुझ पे करते थे, मैं दो हाथ और आगे गुस्सा करती हूँ, उसके बाद ये बच्चों कहते हैं चलो बेटा मामा को दौरा पड़ा हुआ है बाहर निकलो। तुम जिस हिसाब से चल रही हो तो मुझे ऐसे चलना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत लंबे चौड़े आदमी है आप। अच्छा सऊद, अगर आपसे कहा जाए कि जवेरिया में अगर कुछ चेंज करना हो तो आप? अब तो कुछ नहीं हो सकता,
बहुत देर हो गई लेकिन वैसे अगर देखें ये ऐसी ख्वाहिश अगर हम कहें कि हम पूरी कर सकते हैं तो फिर क्या आप करेंगे, हमारे पास जादू का चिराग, हम बदल दें कुछ चीज़ें? नहीं, मेरे ख्याल से तो माशाल्लाह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, है ना? काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी समझदार हैं और शॉर्ट टेम्पर हम दोनों का वैसे। अच्छा शॉर्ट टेम्पर, ओहो, तो फिर कैसे, मतलब कौन रुकता है फिर? ऐसे होता है, ढा 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 ढा। टीवी प्रोडक्शन करें, फिल्म के बारे में कब सोचेंगे? आपका तो ताल्लुक भी बैकग्राउंड फिल्म से रहा और अब माशाल्लाह जिस तरह फिल्म्स बन रही हैं आप देख रहे हैं, एक तो उनके बारे में क्या राय है जो फिल्म बन रही है और उसको किस तरह वेलकम करते हैं, और अपनी प्रोडक्शन कब लेकर आ रहे हैं फिल्म में? देखिए जल्दी करेंगे इंशाल्लाह, कुछ बजट का मसला है, कुछ काम का मसला है, तो देखिए अभी हम लोग कोशिश करेंगे कोई अच्छी करें तो कोई अच्छी फिल्म करने की कोशिश करेंगे। कमर्शियल फिल्म होगी कोई? 400% कमर्शियल ही होगी। आर्टिस्टिक फिल्म तो नहीं, खुदा ना खासा बनाने का? नहीं, ड्रामा नहीं होगा, आर्टिस्टिक नहीं होगी, आर्ट मूवी नहीं होगी। आर्ट मूवी 70s में बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल, और नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख और दीप्ति नवल और टाइप के स्टार्स ने धूम मचाई हुई थी, तो वो दौर चला गया। अब हमें ना उस वक्त कोई दो चार मूवीज थोड़ी बनती थी, वो तो पता कितनी बेशुमार मूवीज, बिल्कुल, और अब तक उसमें से दो आर्ट मूवी निकल आती है, हमारी तो इतनी कम बन रही है, तो उसके नहीं, मूवीज में आर्ट मूवी होती है, सेमी आर्ट होती है, कमर्शियल होती है और सेमी कमर्शियल, तो हम लोग जो है इसका जो माहौल है वो है कमर्शियल्स का, कमर्शियल मूवीज होनी चाहिए और खड़ी खड़ी एक्टिंग को, एक आदमी दुखी है वो चला ही जा रहा है, जैसे हम लोग चलना काफी देर से तो थक जाएंगे लोग देखते देखते, तो एक आदमी जो है उसको थोड़ा थक थक थक, पहले ही होता था कि वो माँ मरती थी तो हीरो पहले यूं होता था, फिर उसके चार क्लोज होते थे, फिर उसकी एक लंबी लाइन होती थी, माँ मैं तेरे कातिले को नहीं छोड़ूंगा। आज के दौर में ये है कि ये माँ मरी है, उसने यूं देखा है और ढक किया और क्लोज किया, कट करके पहुंच गया उधर, उसका टाइम ही नहीं। हफ्ते में कितने दिन आप जिम को दे देते हैं? दो तीन दिन तो चाहिए जाता है, तीन दिन भी क्या ना, मैक्सिमम वरना घर में शुरू हो जाता है सुबह सुबह। आप जूस पिए, आपको जूस की जरूरत है ना, जिम करके आए हैं, जिम किया भी आपने, आपको एनर्जी की जरूरत है नाज़रीन, जितनी एनर्जी लुटाई है सब डाल दूं वापस। ये एक पॉलिसी होती है बीवी की, है ना, फौरन से पहले ही ताकि मियां ज्यादा फिट ना हो जाए, है ना, फिर मुझ पे वो हो जाएगा। लेकिन जनाब ये हंसते खेलते जवेरिया सऊद हमारे साथ मौजूद, और मौला इन्हें इसी तरह हंसता खेलता रखे, माशाल्लाह इनके बच्चों की खुशियाँ इन्हें दिखाए और हम उन बच्चों की खुशियाँ देखें, क्योंकि वो हम सब हमारे वो कहते हैं ना सेलिब्रिटीज़ के जो बच्चे होते हैं वो फिर सबके बच्चे होते हैं, पूरा पाकिस्तान जन्नत से इब्राहिम से उसी तरह प्यार के साथ मीरम से सब प्यार करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग कहते हैं मीरम के साथ तस्वीर खिंचवा लेते, मैं कहती हूँ हाँ प्लीज़ खिंचवाएं, आप कहीं दूर रह जाते हैं। तो जनाब हम अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, ये सब दुआएं हमें यकीनन आपसे चाहिए। यहाँ हम लेंगे दोनों से इजाज़त, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, आज हमने सुबह सुबह सतरंगी के रंगों में मज़ीद रंग भरने की कोशिश करी, वहाँ से लेकर ये शाम के इस पहर तक, थैंक यू सो मच। और हम भी शुक्रिया अदा करेंगे सादिया तुम्हारा भी, तुम्हारी टीम का भी, और समा का भी, समा की टीम का भी, और समा के मेहमान प्रोग्राम का भी, है ना, ये एक अलग से समा के मेहमान है कि हम मेहमान बन जाते हैं आगे, मेहमान कर दे, बना दिया ये देखिए आप, तो समा पे फिर एक समा गाना होना चाहिए, हाँ प्लीज ये समा मौज का कारवा आज ये हम सफर है ले चला है कहाँ ला ला नाज़रीन सिंह के साथ।